दोस्तों आज भारत के हथियारों की तकनीक देखकर अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन सब हैरान है। भारत लगातार ऐसे घातक हथियारों को विकसित करता जा रहा है जिसकी कल्पना इन देशों ने कभी नहीं की होगी। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने ऐसे खतरनाक हथियार को बना लिया है जो अमेरिका जैसा देश भी नहीं बना सका है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की यह मिसाइल अमेरिका की मैत्री मिसाइल से भी 3 गुना ज़्यादा तेज है। लेकिन DRDO की इस मिसाइल में वो कौन सी तकनीक लगी है जिसे पाने को तड़प रहा है अमेरिका, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस हथियार की तकनीक की जिसे अमेरिका पाना चाहता है लेकिन चाह कर भी उसे हासिल नहीं कर सकता। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है जिसके बाद भारत को लंबी रेंज की मिसाइल को डेवलप करने में सफलता मिल सकेगी। आपको बता दें कि ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट यानी SFDR टेक्नोलॉजी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इस परीक्षण में बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत बाकी सभी टेक्नोलॉजी ने परीक्षण के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान सॉलिड फ्यूल आधारित डायरेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ ही बाकी टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी सही साबित हुआ है। चीन से सीमा तनाव के बीच इस सफल टेस्ट के साथ ही भारतीय वायुसेना और ज़्यादा ताकतवर हो गई है। इस टेक्नोलॉजी के सफल परीक्षण के साथ ही DRDO अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास लंबी दूरी की हवा से हवा में आक्रमण करने की क्षमता होगी। गौरतलब है कि अभी यह टेक्नोलॉजी फिलहाल कुछ ही देशों के पास है। दरअसल ये एक तरह का बूस्टर इंजन है जो मिसाइलों को और ताकतवर बनाने में मदद करेगा। सुरक्षा में बेहतर उपकरणों के अलावा भारत स्वदेशी हथियारों को काफ़ी तेजी से अपना रहा है। SFDR भी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। इतना ही नहीं, इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद दुश्मनों की ओर बढ़ती हुई मिसाइल से आवाज़ भी नहीं आएगी। साथ ही इस मिसाइल के आसमान में उड़ते वक्त हमारे दुश्मनों को इसका धुआं भी नज़र नहीं आएगा, यानी आवाज़ और धुएं से ट्रेस के जरिए दुश्मन के लिए मिसाइल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं SFDR को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह खुद ही अप एंड डाउन थ्रोटिंग करने में सक्षम है। ऐसा करने से इस मिसाइल को अपनी स्पीड को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। साल 2018 में इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल धरती की सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइलों को और भी बेहतर और उनके स्ट्राइक रेंज को बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक आने वाले विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और UCAV को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। यह 4.7 मैक की स्पीड से दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता रखता है, यानी यह 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है। और इतनी स्पीड से अगर यह दुश्मनों पर हमला करेगी तो हमारे दुश्मनों को बचने और संभलने तक का मौका नहीं देगी है। साथ ही इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है और कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अगर ये एक बार अपने टारगेट के लिए निकल पड़ी तो इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता और ना ही इसकी तकनीक को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, यानी यह दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। वहीं जब तक दुश्मन अपने रडार सिस्टम से इसे पकड़ पाएंगे तब तक ये अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर चुकी होगी। दोस्तों इस मिसाइल की एक और खासियत है, ये अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए अपनी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकती है और जब ये अपने दुश्मन पर वार करती है तभी अपनी स्पीड को मैक्सिमम कर लेती है ताकि दुश्मनों की बचने की कोई गुंजाइश न रह सके। इसमें IETR द्वारा निर्मित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार और टेलीमेट्री उपकरणों को भी लगाया गया है। वर्तमान समय में SFDR जैसी मिसाइल काफ़ी कम देशों के पास है, इसलिए हमारे दुश्मनों से लेकर दोस्त भी हमारी इस तकनीक को देखकर हैरान है, क्योंकि उनको लगता था कि भारत खुद से ऐसी मिसाइल नहीं बना सकता, ऐसी तकनीक नहीं बना सकता। इस वक्त कई सारे देश भारत के इस मिसाइल को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अब ये बात भारत पर निर्भर है कि वो इस मिसाइल को दूसरे देशों को बेचेगा या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी SFDR मिसाइल को दूसरों देशों के साथ साझा करनी चाहिए, दूसरे देशों को बेचनी चाहिए? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।